दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहल दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप लोग प्रेजेंट में देख रहे होंगे, आज हम काफ़ी लोगों के साथ में इस लोकेशन पे आए हुए हैं और आज मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूं ये हॉन्टेड रोड है और इसी बगल में दोस्तों एक शमशान घाट भी पड़ता है। यहाँ से करीब लगभग 150 मीटर की दूरी पर दोस्तों शमशान घाट पड़ता है। और आज हम इस लोकेशन पे कैसे आए हुए हैं और हमें इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, तो आज आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर जो है लोग हमारे साथ में जो आए हुए हैं इन्हीं लोगों ने जो है हमें इस लोकेशन पे जो है बुलाया है। तो आज हम आप सभी लोगों को जो है इन्हीं लोगों से यही लोग बताएंगे आप लोगों को जो है हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है और यहाँ पर हमें बुलाने का मकसद क्या है इन लोगों का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को सबका परिचय कराऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को जो है बताएंगे ये लोग यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है, यहाँ पर ऐसा इन लोगों को क्या हुआ है जो हम लोग को बुलाना आवश्यक समझा। चलिए भैया, और आप लोग नमस्कार भैया, और आप लोग भाई बताइए आप लोग कहाँ रहते हो, आप लोग जो भी है अच्छे से जो है बताइए आप लोग जो है कहाँ रहते हो, क्यों हमें जो है यहाँ पर बुलाया है। हम तो भैया इनके वहाँ मतलब इनके रिलेशन से इनके बुआ जी के लड़के हैं, यहाँ पे आए थे, इन्होंने बोला कि हम लोग चलो बाहर चलते हैं, लेटरिन भी लग रही है उधर, लेटरिन वोटरिन वाले। अच्छा अच्छा, तो ये लेके आए थे, मैं तो पहली बार आया था, ये लेके आया था, फिर हमने देखा तो इनके साथ में आप आए थे। और तो आप इसी गाँव के रहने वाला कौन है, आप कौन है ये? तो भाई आपने बुलाया था या इन लोगों ने बुलाया था? तो बताइए भैया यहाँ पर आखिर क्या दिक्कत है जो आपने जो यहाँ पर बुलाया? हम लोग कल मतलब तीन लोग आए यहाँ लेटरिन से। अच्छा, तीन लोग आए थे और वही लगभग 8:30-9 हो रहा होगा टाइम जी, 8:30-9 बज रहा होगा। और मतलब हम लोग आए तो हो गया काम वाम सब हो गया, फिर हम लोग वहाँ बैठ गए, हम लोगों को एक आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, तो हम लोग उस तरफ बढ़े तो हमें एक वाइट कपड़े में दिखाए, मतलब कुछ भी दिखाओ वाइट कपड़ा, हाँ अजीब सा दिखा। तो हम लोग वहाँ पे गए तो अचानक से गायब हो गया, मतलब वहाँ कुछ था ही नहीं ऐसा नहीं। फिर तुम लोग डर गए? हम लोग डर गए, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि फिर अच्छा वहाँ पर रुके या फिर भाग गए? नहीं, हम लोग फिर भाग गए वहाँ से, भाग गए, तुरंत चले गए अपने जो है घर को तुरंत। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना है, भाइयों लोगों ने जो है यहाँ पर जो है रात के समय में यहाँ पर आए हुए थे और इन लोगों से साथ में रिलेशनशिप के लोग थे, तो यहाँ पर घूमने टहलने के जरिए से यहाँ पर आए हुए थे और इन लोगों को अजीब सा जो है यहाँ पर कुछ ऐसा देखा, क्या आत्मा थी या भूत था, कोई भी चीज़ ऐसी थी जो इन लोगों को जो डराने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। तो इसी से इन लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पर इस लोकेशन पर। तो आज आपका छोटा भाई इस लोकेशन पर इसी वजह से इस लोकेशन को विजिट करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो आज हम कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और देखना चाहेंगे यहाँ पर भाई किसकी आत्मा है, कौन था यहाँ पर, भूत था या आत्मा थी, जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के नज़रों के सामने होगा। तो आप लोगों को लोकेशन के आगे ले चलने से पहले आप सभी लोगों से आपका छोटा भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, अगर आप लोग चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा अपने छोटे भाई पर बनाए रखिएगा। और दोस्तों चलता हूँ लोकेशन पर, आप लोग जो है जिस इस वीडियो को आप लोग जो है स्किप बिल्कुल मत करना जो कुछ भी हो, ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ पाए और आप लोगों को भी अच्छे से जो है जो कुछ भी हो वो आप लोग देख सकें। तो चलिए आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ। इधर भी दिखा दो भाई,
दोस्तों दिखाओ भाई। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि करीब जो है 100-150 मीटर की दूरी पर दोस्तों शमशान घाट पड़ता है, तो वैसे ही ये दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये शमशान घाट का एरिया है। यहीं पर ये लोग जो है आए हुए थे, शायद रात में जो है लेटरिन वगैरह करने के लिए, या फिर लोग के साथ में यहाँ पर इसी काम के लिए आए थे। यहाँ पर शमशान घाट है भाई, कुछ भी हो सकता है, आत्मा हो या भूत हो, जो कुछ भी हो वो तो मुझे नहीं पता, जो भी कैमरे में हमारे कैप्चर होगा तभी जाके कुछ पता चलेगा। तो भाई आगे चलो, देखते हैं फिर आगे। आज आप लोगों ने जो है देखा था, तो पर कहाँ पे देखा था वो चीज जो है आगे पास पेड़ के पास, पेड़ के पास, इस पेड़ के पास में जो आगे था वहाँ पे, यहीं पे, यहीं पे, यहाँ पर वो छोटा सा पेड़ जो लगा हुआ है, नहीं छोटा छोटा, वो मंदिर भी कुछ जैसे बना हुआ। वो भाई सामने वो कौन है भाई? कौन है, कौन है भाई? ये क्या, कौन है यार? सामने सामने वो है भाई, गोवा यार, यहाँ पे ये कौन है भाई? यही तो ऐसा ही दिखा था, आखिर कौन है भाई? ये कौन हो सकता है भाई इतनी रात को यहाँ पे? पता करना पड़ेगा, आ जाओ भाई, देखते हैं। आ जाओ भाई, कौन है? कोई लोग पास, कोई लोग पास मत जाना भाई। यही था, ऐसे ही देखा था, ऐसे ही देखा था ये इतनी रात में, अकेले के सुनसान रास्ते पे, शमशान घाट की एरिया में, वो भी आखिर कौन हो तुम? सच में कह रहे हैं यार, वही हो सकता है भाई, किसी की आत्मा हो। ये क्या कर रहे हैं भाई? कौन है यार? कौन है इतनी रात में अकेले, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कौन है? ओ भाई, काफी लंबे बाल हैं, अटैक कर रही है, ये बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है भाई कोई। ओ माय गॉड यार, कौन हो सकता है भाई इतनी रात को यहाँ पे? आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे सच्ची में ऐसा तो नहीं यार, जो गांव में यार हमारे साथ जो हो रहा है ना, लोग जैसे कह रहे हैं कि गांव में इस टाइम पे जो है डॉक्टर मुग्धा देवनाथ की आत्मा जो है अक्सर लोगों को गांव में इस टाइम में। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि डॉक्टर मोमिता देव प्रसाद देवनाथ की आत्मा दिखाई देती है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर गांव के साथ। मेरा दोस्तों अभी डाउट है, हम इस चीज को क्लियर नहीं कह सकते हैं कि मोमिता, लेकिन मैं पूछने की कोशिश करूंगा, अगर शायद कुछ बात पता चले, हो सकता है मेरी बात जो सच ही ना निकल जाए, हो सकता है भाई। देखते हैं, पूछते हैं, हो सकता है भाई कि मोमिता देव देवनाथ की आत्मा हो भाई। देखो आप जो भी हो, अच्छा आप लोगों ने गांव में जाके बताया था, लोगों ने कुछ बताया था आप लोगों को जो है? हाँ, लोगों ने यही कहा कि वहाँ पे आत्मा दिखाई, पहले कभी गांव वाले लोगों ने देखा है यहाँ पे? हाँ, एक दो बार पहले देखा है। हाँ, पहले एक दो बार देखा है, हमने बताया भी था पहले कि वहाँ पे मत जाओ, पर हमने कहा ऐसे दो तीन लोग हैं, घूमते घूमते चलेंगे, बात करते तो उधर लेटरिन वगैरह कर लेंगे, अच्छा घर वापस आ जाएंगे, ऐसा आप लोगों ने सच्ची में देखा है? हाँ देखा, समझ के भाई, समझ के बताया फिर घर जाके। कौन है? जो मंदिर की तरफ मैं फोन रखा ना, वो जा रही है, ये देखो रोड पे है, ये देखो। आगे कौन हो तुम? देखो अपने बारे में सच में बताओ, कौन है आप? कौन है? पास में आ जाओ यार भाई, सब लोग जो एक बार देखो यार, डरो मत, जो है डरो, इतना डरोगे इसी वजह से आप लोगों ने डर के भाग गए, इसी लोग हमारे साथ में आए हैं, ताकि लोगों को भी, आप लोग तो डरते हैं, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भाई आत्मा भाई किसकी है, यहाँ पर कौन है, कैसे क्या है, ये पता चलना चाहिए। आप लोग तो डर के भाग गए, हमें जो बुलाया है तो हम आए तो इसीलिए हैं कि भाई किसी को भी यहाँ पे डाउट ना रहे, रात में जो है अक्सर कोई यहाँ पर ना आए, किसी को गलती ना हो, ऐसा कदम ना उठाए जो कि मतलब वहाँ पर किसी को नुकसान पहुँच जाए, रात में धोखे से आ जाए, तो उसको पता चलना चाहिए। चलो भाई, देखो आप जो भी अपने बारे में बताइए, आप हैं कौन, इतनी रात में कौन है आप, और यहाँ पर क्या करती है आप? कोई लोग पास मत जाना भाई। भाई आप झूम के यार, अच्छे से उसका फेस दिखा यार, कितना भयानक फेस देखने में तो लगता है यार।
देखो है, चूम करके दिखाया, इसका बाल भी देख सकते हैं यार आप लोग। कौन है आप? हाँ भाई, क्योंकि मुझे भी लग रहा है भाई। भाई डरो मत यार, सब लोग एक साथ रहो। कौन है? ओ भाई, पीछे जाओ भाई, पीछे जाओ। ओए यार भाई, पीछे जाओ, पीछे जाओ। ओ भाई, क्योंकि मुझे भी लग रहा है भाई, मोमिता देवनाथ की ही आत्मा है भाई। ये भी ऐसा ही लग रहा है भाई। देखो मंदिर की तरफ जा रही है, मंदिर की तरफ जाने लगी यार। ये किस तरफ क्यों जा रही है यार? हाँ भाई, क्लियर हो रहा है भाई कि मोमिता देवनाथ की ही आत्मा है। ये जामुन के पेड़ की तरफ जा रही है, ये देखो वहाँ पे। क्योंकि देखो आप कौन है, बिना बताए आप नहीं जा सकती हो। देखो आप अपने बारे में बताइए, तभी कुछ पता चलेगा आप हैं कौन। कौन है आप? देखो आपने, अरे यार सब लोग जो है, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, मैं बात करूंगा। आप लोग शांत रहे, बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग पूछे पूछे भाई, है कौन यार, पूछने की कोशिश करो भाई। सभी लोग जो है पूछे, देखिए आप कौन है और इतनी रात में यहाँ पर क्या करती है, जो लोगों को दिखाई पड़ती है। आखिर जो है आप क्या चाहते हैं आप यहाँ पर? पास मत जाना भाई। ओ भाई, कह रहा था पास मत जाना यार, भाई अटैक कर देगी। क्योंकि भाई कौन हो सकता है भाई, काफी देखो नाराज लग रही है भाई। जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप अगर हैं तो आप हाँ ना में जवाब दीजिएगा। क्या आप मोमिता, डॉक्टर मोमिता देवनाथ की आत्मा है भाई? सच्ची में है, मुझे लगता है वही लग रहा है। मुझे भी दोस्तों वही लग रहा है, डॉक्टर मोमिता देवनाथ की ही आत्मा है, मुझे भी लग रहा है ऐसा। ये क्या कर रही है? ये पेड़ पे चढ़ी भाई। देखो पेड़ पे चढ़ी जा रही है। ये देखो दोस्तों, अब क्लियर हो गया भाई। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, सच्ची में यहाँ पर डॉक्टर मोमिता देवनाथ की आत्मा है भाई। आत्मा दोस्तों है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि कौन है, कौन हो? ओ भाई, ओए निकल यार भाई, ओए पीछे जा। ओ सुनी, उसे क्या हुआ? उठो भाई, चप्पल भाई छूट गई। देखो यार इतना खतरनाक अटैक कर दिया उसने यार। मैं कह रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पे मोमिता देवनाथ की आत्मा है भाई। मैं पहले मोमिता देवनाथ की आत्मा जो है, मुझे लगता है, मैं दोस्तों अभी भी कन्फर्म नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही नाम लिया वैसे बताना चाहती कि हाँ मैं वही हूँ। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग इस वीडियो में आप लोग पहली बार आए हैं तो एक बार जरूर गौर कीजिएगा भाई। डॉक्टर मोमिता देवनाथ की आत्मा जो दिखाई देती है, आखिर यहाँ पे आज लोगों को आत्मा क्यों दिखाई देने लगी भाई? उसकी जो मौत हुई है एक आम मौत नहीं हुई है। लोगों ने उसको जो है बहुत ही परेशान करके इतना ऐसा जो है मारा है, जिसको रेप करके मारा गया, उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? दोस्तों आप लोग समझते हैं, हमसे अच्छे से समझते हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग जो है बेटर समझते हैं। इतनी तकलीफ हुई उसको, तो लोगों को जो है शायद अपना बदला लेना चाहती हो, अपना इंसाफ मांगती है यहाँ पर। शायद नाम अभी शायद पूछते भाई, कैमरा वापस करो, दिखाओ यार भाई। वो देखो गायब हो गई यार, गायब हो गई भाई, गायब हो गई ना यहाँ से, गायब हो गई भाई यहाँ से। आगे देखते हैं यार, अभी सारे लोग एक साथ में चलो भाई, सारे लोग एक साथ में चलो। मुझे लगता है कि सभी लोग संभल के रहना, क्योंकि मतलब अपना बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, हमला करते हैं। क्योंकि ये उसको ये क्या पता है कि भाई हमारा गुनहगार कौन है, क्या है। उस जो है इतना नाराज है, इतना गुस्सा है, वो किसी पर भी अटैक कर सकती है, हमला करके मार सकती है।
वो भाई, वो भाई वहाँ पे, वो भाई भाई सामने 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 वो देखो वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे पीछे आवाज आएगी, पीछे ही थी भाई वो देखो वहाँ पे सामने वो देखो ये देखो रोड पे है। हाँ भाई ये देखो आम के पेड़ के पास में वही जगह तो पहुँच गई है जहाँ पे आप लोगों ने देखा था ना। हाँ भाई वही तो पहुँच गई है। ये देखो सामने देखो आप जो भी हो आप क्या चाहते हो और यहाँ पर जो है क्यों दिखाई पड़ती हो तुम? आपकी मौत कैसे हुई थी ये बताइए आप, आपकी मौत कैसे हुई थी? लोगों ने आपको मारा था? लोगों ने इसे मारा था भाई, कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। आपको लोगों ने मारा था? ये देखो फेस देखो, हाँ देखो हिला रही है, सर हिला रही है, बताना चाह रही, बता रही है भाई। तो तुम चाहते क्या हो यहाँ पर लोगों को, गांव के लोगों को परेशान करती हो, गांव में आ गई हो, यहाँ पर गांव वाले लोगों से क्या चाहते हो कुछ बताइएगा आप? आप बताइए क्या चाहते हो, इंसाफ चाहती हो, लोगों से बदला लेना चाहती हो? इंसाफ के लिए आपको जो है इंसाफ चाहिए आपको? ये देखो दोस्तों इंसाफ चाहिए भाई, भाई क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहाँ पर कोई अघोरी बाबा को ला करके इसको जो है आत्मा को शांति दिला दिया जाए। नहीं नहीं आत्मा को शांति दिलाने की बात तो नहीं है यहाँ पर, उसका मकसद तो दोस्तों ये है कि जिन लोगों ने जो है हमारे साथ में ऐसा दुष्कर्म काम किया है उन लोगों को तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को जो है सजा मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में जो ऐसा काम लोगों ने किया है और साजिश करके लोगों ने उसको जो है मारा गया है, इसी वजह से दोस्तों उसकी आत्मा जो है भटकती है, अन्यथा दोस्तों ऐसा नहीं होता। इतनी तकलीफ हुई है उसको, जो लोगों ने इसका टॉर्चर करके इतना मारा है, रेपिंग किया है, उसके बाद में फिर उसको बाद जान से मार भी दिया गया, ऐसा बड़ी अफसोस के साथ में दोस्तों कहना पड़ रहा है कि इतना दुख भरी बात भाई किसी के साथ में ना हो तो ही सही है। इसी वजह से जो है आत्मा यहाँ पे लोगों को परेशान करती है, बेवजह लोग जो है, बेकसूर लोग जो है, गांव के लोग जो इस रास्ते से गुजरते हैं उन लोगों को भी परेशान करती हैं। उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे कौन है, कौन आता है, कौन जाता है, उनको सीधा इंसाफ चाहिए, अपने जो है बदला लेना चाहती है। बस इतनी बात के लिए दोस्तों आत्मा जो है यहाँ पर लोगों को परेशान करती है। बाजो भाई एक बार जो है फिर से पूछते हैं कि हो सके चले अभी पूछने की कोशिश करते हैं, जो भी मेरी उम्मीद है जो हमने सुनते हैं वो टाइप आपको बता रहे हैं। फिलहाल आप जो है अपने को जैसे लग रहा हो आप लोग बताइएगा एक बार कमेंट में, जरूर बताइएगा भाई कि आपको भाई वो जैसे आत्मा गायब हो गई यार, गायब हो गई यार। हाँ भाई पुल पे थी यार यहाँ पे इधर साइड में आई थी क्या? हाँ भाई गायब हो गई है, काफी गहरा गड्ढा खुदा हुआ है भाई, खाली है भाई। कोई है यहाँ पे? कौन था यहाँ पे? आवाज आ रही भाई, उस तरफ से आवाज आई है, किधर से आ रही आवाज? कौन है यहाँ पे? कौन है शमशान घाट है यार, वहाँ पे अकेले मत जाओ यार। ये देखो है, ये देखो ये देखो, ये शमशान घाट में है वहाँ पे यार, वहाँ पे नहीं चलना ठीक नहीं है यार, मुझे लगता है। देखो वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है भाई, अरे भाग भाई, हट जाएगा, वो आ रही भाई। ओ भाई मेरी तरफ से जाम दे दो, ये देखो सामने गोरो आ रही है, देखो वो आ रही भाई, आ रही है ना, हो रही है, देखो आप जो भी हैं मैं पता हो गया है कि आप कौन हैं, तो आप इंसाफ चाहती हैं। ये देखो है क्या किया जाए भाई यहाँ पर, क्या चाहते हो तुम? देखो देखो कौन है, कौन है?
कौन है? मैंने बोला था भाई, ओ भाई ये है यार, भाई ऐसे निकलना सही रहेगा। ओ माय गॉड यार, निकलो भाई यहाँ से। मैं कह रहा था भाई, दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोगों ने देखा जो है हम पे जो है आत्मा ने हमला कर दिया है। अगर जो लोग हम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोकेशन को अगली बार कैसे विजिट करेंगे? दोस्तों हम लोग जो है अपने बचाव के लिए दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है निकलेंगे और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।